लगातार 10वें दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 34 पैसे, डीजल 32 पैसे प्रति लीटर बढ़ा। सरकार ने ओपेक देशों से कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती घटाने को कहा। कहा तेल की महंगाई आर्थिक रिकवरी की राह में बनेगी रुकावट। टेलीकॉम फ्रॉड से निपटने के लिए सरकार बनाएगी नोडल एजेंसी। नियमों का उल्लंघन होने पर कंपनियों पर होगी कार्रवाई। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए टेलीकॉम सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी। 5 साल में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए के टेलीकॉम उपकरणों का होगा उत्पादन। अमेजॉन पर लगे चुनिंदा रिटेलर्स को खास सुविधाएं देने के आरोप। व्यापारी संगठनों ने अमेजॉन पर कार्रवाई की मांग की। बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक यूनियन ने किया हड़ताल पर जाने का ऐलान। 15-16 मार्च को हड़ताल पर रहेंगे बैंक्स। 526 करोड़ का बकाया न चुकाने पर बढ़ गई फ्यूचर ग्रुप की मुश्किलें। एनसीडी का प्रिंसिपल और ब्याज का पेमेंट देने में डिफॉल्ट हुई फ्यूचर कंज्यूमर। 25 फरवरी से 10 मार्च तक खुला रहेगा गेल का बायबैक ऑफर। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में कंपनी को मुनाफा 20% बढ़कर 1487 करोड़ रुपए हुआ। किया की नई सेडान की पहली तस्वीर आई सामने। किया के 8 के आगाज से सेडान सेगमेंट में कड़ा मुकाबला। अब ट्विटर पर यूजर्स भेज सकेंगे वॉइस मैसेज। कंपनी ने भारत समेत चुनिंदा देशों में शुरू किया नया फीचर।